तस्य श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश जी महाराज की। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदान जाडध्यकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधती पद्मासने संस्थिता। वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रवृत भिर देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बोलिए सरस्वती मैया वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ। वंदे वाणी विनायकौ। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलो रे भाई सब संतन की। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनो जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की कालिका माई की अम्बे माते की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुने महारानी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब गाइए नव रघुबर विमल जसो जो दायक बल चा बुद्धिहीन तन जान के समिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम।
रोज सुबह हनुमान चालीसा जरूर किया करें और श्री हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, प्रभु आज का दिन मैं शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं तो बुद्धिहीन हूं, अपने आप को बुद्धिहीन जान के, बुद्धिहीन तनु जान के क्या करें। सुमिरो पवन कुमार, और फिर हनुमान जी से तीन चीजें मांगे। प्रभु जीवन जीने के लिए तीन वस्तु की आवश्यकता होती है, मुझे तीनों वस्तु आपसे चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, लेकिन ये तीन वस्तु देने से पहले मेरी सर्विसिंग करो। काहे से? हरहु कलेश विकार मेरे बाबा, हरहु कलेश विकार, पहले मुझे विकार मुक्त करो, क्लेश और विकारों से मुक्त करो। क्लेश हमें बाहर से मिलते हैं, विकार हमारे अपने होते हैं। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमें बुरा बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है, फिर जो करना भी चाहते हैं वो करने का मन नहीं करता है। और विकार हमारे अपने होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे विकार हैं। हनुमान जी से कहो पहले इसकी सफाई आप करो। हमारे आपके घर दूध कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो, लेकिन घर की पतीली में यदि विकार है तो दूध फट जाएगा। ऐसे यदि हमारे में विकार पड़े हुए हैं तो हमारे में बल बुद्धि विद्या कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हम उसका जीवन में सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी से कहें पहले मुझे विकार मुक्त करो और फिर उसमें बल बुद्धि विद्या दो, ताकि मैं जीवन में इसका सही सदुपयोग करूं। आज जो बात कही गई, परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी जिनका जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं, मना नहीं रहे कल मनाएंगे, उसके लिए आज से तैयारी चल रही है। उसका साक्षात की प्रमाण है जब बल बुद्धि विद्या हमारे में हो लेकिन विकार मुक्त हो। जब उसमें विकार आ जाते हैं तो हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, यही जीवन का परम धर्म है, परम कल्याण है। इसलिए हनुमान जी से ये मांगे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बाबा, रहु कलेश विकार। और फिर हनुमान चालीसा शुरू करिए ताली बजा के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वज विराजे, कंधे मूंच जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, बाबा लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुवद कीनी बहुत बढ़ाए, तम मम प्रिय भरत सहस्त्र बदन तुम दो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित यही सा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ दे, कवि कोविद कई सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद जीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन वर भानु, लीजो ताहि मधुर बल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे, बाबा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पै सारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुमरा छटा उको डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हाक दे कापे, भूत विषाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दो जावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन बल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत विजयारा, साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन अष्ट सिद्ध नव निध के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो पासा, तुमरे भजन राम को पामे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हर भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
जय 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 बाबा जय 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 हनुमान को गाइए कृपा करो गुरुदेव की दाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट बंदी महा सुख हो जो यह पढ़े याद करने की भी जरूरत नहीं है किताब ले लो और पढ़ो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साथी गौरी सा तुलसीदास सदा करे तेरा की जय नाथ रे जय महादेव बाबा की जय नाथ रे जय महादेव की जय नाथ रे जय महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू जयनाथ हृदय महादेवा की जयनाथ हृदय और हनुमान चालीसा करके अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि ये बल बुद्धि विद्या दे करके क्लेशर विकारों की सफाई करके चले मत जाना 24 घंटे मेरे साथ रहो मुझे छोड़ करके मत जाना कैसे रहो की जयनाथ हृदय महादेवा की जयनाथ हृदय हनुमान जी आपसे कहेंगे रख लो सबने रखा हुआ तुम भी रखो हमने कहा मना किया अब आप कहो हम आपको रख नहीं सकते आप आकर के रहो मैं आपको रख लूं तो आपको तो पता ही नहीं कि मैंने रखा हुआ है और मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आप भी मुझे जानते हो मैं तो आपको जानता हूं लेकिन आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते ये बात मुझे नहीं पता है ये तो मुझे तभी पता लगेगी जब आप आकर के रहोगे इसने लिखा है की जयनाथ हृदय महाडेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा मैं आपको जानूं और आप मुझे जानूं बस ये संबंध बन जाए पवन तनय संकट हरण फिर हनुमान जी को याद नहीं किया है पवन पुत्र को याद किया पवन पुत्र को हम और आप भी रोज याद रखें और इतना रोज याद रखें कि हमारा आपका जो शरीर है ये 5 तत्व से बना है धरती आकाश अग्नि जल और वायु पूरी सृष्टि की रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है और हमारे आपके शरीर में सब रहे केवल डॉक्टर जब इतना डिक्लेयर कर देता है कि वायु तत्व ने शरीर का साथ छोड़ दिया है सांस ने आना जाना बंद कर दिया है तब इस शरीर की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है अपनी कमाई से अपने बनाए हुए घर में अपने ही परिवार के लोग बिना वायु के शरीर को 2-4 घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते हैं आप कितने युवान हो कितने तंदुरुस्त हो कितने सुंदर हो कितने गुणवान हो कितने धनवान हो उस शरीर की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है शरीर जर्जर हो जाए बूढ़ा हो जाए कोमा में चला जाए सालों साल पड़ा रहे अगर उस शरीर में सांस चल रही है तो डॉक्टर परिवार सब सेवा कर रहे होते हैं इसलिए रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु तत्व से है और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें प्रभु आप तो पवन पुत्र हैं वायु का बेटा वायु होता है इसलिए वायु के रूप में सांसों श्वास आप मेरे हृदय में वास करो की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा एक हनुमंत तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत रूप में हमारे और आपके हृदय में निवास करता है बुला के तो देखो जिनका जन्मदिन मना रहे हैं जिनके बारे में अभी इतनी बातें कही गई हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये लोग जिस एनर्जी से काम करते हैं ये कौन सी एनर्जी है आज 30-35 साल का युवान भी वो काम उतना नहीं कर पाता है जो आप लोग कर रहे हैं ये शक्ति कौन देता है यही तो है
हनुमान जी को बुलाने का तरीका कि हनुमान जी से ये लोग रोज प्रार्थना करते हैं, मुझे आप अपने जैसा बना दो, मैं आप जैसा निरोगी रहूं, मैं आप जैसा एनर्जेटिक रहूं, मैं आप जैसा हमेशा पॉजिटिव रहूं, कि जो कुछ है यस आई कैन डू इट। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। पर हनुमान जी से एक प्रार्थना और करी है, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान भगवान चाहिए, और हनुमान जी भगवान है नहीं। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिना मैं सारे। इसलिए हनुमान जी से ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में ना तो इतनी पवित्रता है ना भक्ति है कि हम भगवान तक पहुँच सकें, लेकिन भगवान चाहिए, रोज चाहिए। हमारी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच तो वहां तक है, इसलिए आप अकेले मत आना। फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर मेरे बाबा, हृदय बसहु। और इसका गारंटी कैसे ली? हनुमान जी को पहले ही कहा, आप मेरे पर भगवान की तरह कृपा मत करना, गुरु की तरह कृपा करना। गुरु की कृपा कैसी होती है? जो जीव को भगवान से मिला देती है। आप भगवान को लेकर के आओ। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। फिर गाइए ताली बजा के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। ये प्रार्थना इसलिए करी है और रोज करिए, हनुमान जी से कहो मेरा शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दो, क्योंकि जहां भगवान का वास होता है उस जगह को भगवान का मंदिर कहा जाता है। जैसे ये हॉल है, चिन्मया मिशन का हॉल है, इसी जगह हमने भगवान को बिठाया, अब ये जगह भगवान का मंदिर बन गई है। ये हॉल नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। और मंदिर उसे कहते हैं जहां मन के अंदर परम शांति की प्राप्ति हो, उसका नाम मंदिर है। और मंदिर की खासियत ये होती है कि मंदिर में कोई भी कितना ही परेशान व्यक्ति आए कि जाए, उसके भी मन को मंदिर में आके शांति मिलती है। हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, मेरा शरीर भी ऐसा भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दो कि मुझे तो शांति हो ही, लेकिन इन 24 घंटे में मैं जिससे मिलूं या मुझसे जो कोई मिले उसके भी मन को मैं परम शांति दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन बना दो। मेरे मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा सोचूं भी नहीं, मेरे मन में भी ना आए, ऐसा मेरा दिव्य जीवन आप अपने जैसा बना दो। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय। फिर गाइए ताली बजा के, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की, बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बल कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजान भुज शर चाप धर संग्राम चित कर दूषणम, वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल रंजनम, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि
तेहि भांति गौरी आशीष सन सिय सहित हिय हर्षित कलि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण तज सब आनी को राखी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि श्री रामचंद कृपालु दयालु रामचंद कृपालु दयालु रामचंद कृपालु भज मन हरण भव श्री रामचंद कृपालु भज मन। गोस्वामी जी ने ये पद लिखा कि अपने अपने मन को समझाओ कि दुखों से क्लेशों से भय से मुक्त होने का केवल उपाय यदि कोई है तो केवल हे मन तू राम का आश्रय कर, राम की शरणागत हो। राम का नाम ही जीव को दारुण दुखों से क्लेशों से भय से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो केवल राम का नाम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, क्या करेगा ये? हरण भव भय दारुणम, जीवन के दारुण दुखों से क्लेशों से भय से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो केवल राम का नाम। तो ये प्रयोग करके देखिएगा। मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि कभी भी जीवन में बहुत परेशानियां आ जाएं और आपसे कोई हल ना निकले, और जीवन की परेशानियां तो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आती रहती हैं, और जब हम सब कुछ कर लेते हैं और जब हताश हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपनी सारी समस्या को लेकर के भगवान की शरण में जाओ और कहो प्रभु अब मुझसे नहीं होता है, बाप संभालो, मुझे भी संभालो, मेरी समस्या को भी संभालो। हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम मेरे राम हम तो तेरी शरण। सब गाइए हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मैं तेरा तू मेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मुझे सहारा तेरा। एक बार गा के देखिए हृदय पे ले जाकर के, जब गाओ ना मैं तेरा तू मेरा राम, कह के देखिए आप, मैं तेरा तू मेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम, मैं तेरा तू मेरा 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 राम। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया
गया ठिकाना, तुझे रास आ गया है। हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण। मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है। ये दुनिया रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है। राम हम तो तेरी शरण है, राम हम तो तेरी। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। सर अब तो झुक चुका है, आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है, तेरे सर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, हे राम हम तो तेरी शरण। हे राम हम तो तेरी शरण। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए राम नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कब तक? जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीना नाथ के भाई भनक पड़ेगी कान। हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण। मेरे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण। राम रामे ति रामे ति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरान मे। बोलिए राम नाम महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को भाव और श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमय त्रिग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर नौ राम चरित भव मोचन। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। गुरु गोविंद दो खड़े मैं काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता
राम राम राम। सत्संग में जाकर के, संत चरणों में जाकर के, महापुरुषों के पास जाकर के, हम सब साधारण गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को सीखना क्या चाहिए, अथवा तो सत्संग में सिखाया क्या जाना चाहिए। सत्संग एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, क्योंकि जीवन की परिस्थिति हर दिन एक जैसी रहती नहीं है, हर समय परिस्थितियां करवट बदलती रहती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में अनुकूल जीवन जीना केवल सत्संग ही सिखाता है। तो सत्संग में जाके क्या सीखें? अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, 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 कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो सब गाइए तेरे राम हो, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही है, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही है, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तब तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय गुरु तुम्हारी जय जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की असीम कृपा के फलस्वरूप रविवार की आज पावन संध्या काल में हम और आप सब परम पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी और उनके समग्र परिवार के साथ आज उनके जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भगवान के श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् मानस सुंदरकांड का पारायण निवेदित करने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी का जो जीवन आज तक का रहा है भगवान उसको अक्षुण बनाए रखे, स्वस्थ बनाए रखे, दीर्घायु बनाए रखे, और जो हनुमान जी को माँ ने आशीर्वाद दिया था वही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज वही संपट मैं ले रहा हूं
यहाँ से बहुत कुछ महाराष्ट्र ने भी और सुरेंद्र जी ने भी सब ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, जितना बोला वो सब कम था। आपका जीवन इससे भी ज़्यादा दिव्य है और उसका परिणाम यही है, तभी तो हम सब बैठ करके आज उनका जन्मोत्सव के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तो पार्टी की तरह कुछ और भी बन सकता था, लेकिन उत्सव भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है, ये केवल भगवान की कृपा का प्रमाण है और कुछ नहीं। क्योंकि सत्संग जब भी होता है, जापर कृपा राम की हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज ये सत्संग जब हम सब करें तब ऐसा महसूस होता है कि ये राम की कृपा का ही फल है, बाकी कुछ नहीं है। सत्संग न कोई कर सकता है, सत्संग न कोई करा सकता है। तो आज ये सत्संग हम करने जा रहे हैं आपके दिव्य जीवन की कामना करने के लिए, कि ये जीवन आपका एक युवाओं के लिए एक आदर्श जीवन है। परिवार कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए, इतना बिजनेस करने के बाद भी आदमी को कितना सरल और सहज होना चाहिए, ये सब बातें यहाँ से कही गई हैं और आप तो वो करके दिखा रहे हैं। हम सब के लिए आप मार्गदर्शक हो और हम सबका जीवन और आपके घर की ऐसी ही व्यवस्था पूरी ऐसी बनी हुई है, परिपाटी ऐसी बनी हुई, क्योंकि आप वो करके दिखा रहे हैं। हम सब के जीवन में ज़्यादातर देखा गया महाराष्ट्र की सब बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं हैं। जीवन कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं, लेकिन आपकी कथनी मन कर्म वचन एक है और इसीलिए जीवन की इतनी जो उड़ान और ऊंचाई दिखाई देती है वो इसी कारण से दिखाई देती है। सुंदरकांड का यही मूल स्वरूप है, मूल नींव यही बताई है कि मन कर्म वचन कुछ भी करो, मन कर्म वचन एक होना चाहिए बस। अभी हम सब बोलते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है, करते कुछ और हैं। तो आपके दिव्य जीवन की दीर्घ कामना करते हुए ज्यादा ना समय, क्योंकि समय कम है महाराज जी, विराम कितने बजे करना, आरती कितने बजे करनी है, निर्णय करके बताता, उसी हिसाब से करेंगे फिर। मेरे पास स्पीड सारी है, मैं खाली गियर बदल लूंगा अपना। हो सकता है, लेकिन वो मैं समझूंगा और हनुमान समझेंगे, वो भी हो सकता है, वो भी ज्यादा टाइम है। मैं तो 7:15 बजे भी पूरा कर सकता हूं, लेकिन उसको पूरा करना क्या है। एक बार ऐसी ही बात, जब मैं मॉरिशस में था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, बोले हम चाहते थे कि एक पार्ट हो जाए लेकिन अब नहीं हो सकता, समय नहीं है। मैंने कहा कितना समय बचा है, बोले 30 मिनट आपके पास है, 30 मिनट में हो नहीं सकता। मैंने कहा हो सकता है, आप शांत रहना, बस मुझे एक हारमोनियम दे दो और हनुमान जी को सामने बिठा दो बस। 27 मिनट के अंदर सुंदरकांड हुआ और मैं फ्लाइट पकड़ने चला गया 30 मिनट के अंदर। ये केवल हनुमान जी की कृपा का प्रताप, वो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, विराट से विराट रूप धारण कर सकते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, और मशक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमेर नरहरि, कुछ भी हो सकता है। और सुंदरकांड तो हनुमान जी का साक्षात वांग्मय है और कुछ नहीं है। मैं रोज इसका अनुभव करता हूं रोज। तो आज के सुंदरकांड का मूल संपुट वही लिख रहा हूं जो जानकी मैया ने श्री हनुमान जी को राम का प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया था। जब मां को भरोसा हो गया कि राम का प्रिय है, राम का प्रिय का अर्थ होता है हनुमान जी राम को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं, राम हनुमान जी को प्रेम करते हैं। ये जानकी जी ने टेस्ट लेकर के देख लिया, जब ये खबर पड़ गई कि राम जी हनुमान जी को प्रेम करते हैं, तब आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम के प्रिय को जान करके कि राम का ये प्रिय है, हो तात बलशील निधाना, पहला आशीर्वाद दिया तू बेटा बल और शील का निधान बन। बल तो रावण के पास था, शील नहीं था, वो शील आशीर्वाद से मिलता है। दूसरा आशीर्वाद दिया अजर तो बूढ़ा कभी ना हो, उम्र बढ़े तो बूढ़ा नहीं होना है,
मैच्योर्ड होना है, वयस्क बनना है, समझदार बनना है। फिर तीसरा आशीर्वाद दिया, अजर अमर, तू अमर हो। चौथा आशीर्वाद दिया, गुण निधि सुत हो, गुणों का सागर हो। हनुमान चालीसा की पहली अर्धाली माँ का आशीर्वाद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये माँ का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। और फिर पांचवा आशीर्वाद दिया, राम तुम पर खूब लाड़ करे, करहु बहुत रघुनायक छो। आज का यही संपुट मैं रख रहा हूं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, हाँ करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, हे करहु बहुत रघुनायक, हे करहु बहुत रघुनायक। और ऐसे हनुमान जी जिनको आशीर्वाद मिला है, हमारी तरफ से हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सदा हृदय में वो वास करते रहे। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, हृदय महाडेरा, हृदय महाडेरा, हृदय तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा, ताली बजा के गाइए, तेरे बिना बाबा हमारा यहाँ कोई रे, तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे। जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुझको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, 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 तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा तेरी सूरत लागे प्यारी, तेरी सूरत लागे प्यारी, तेरी लीला लीला लीला, तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरे जैसा, तेरे जैसा,
तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। जिस जगह पर संसार साथ छोड़ देता है वहां भगवान का साथ शुरू होता है। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना बाबा हमारा नहीं कोई रे। ऐसे महिमावंत श्री हनुमान जी की कथा और उनके जीवन चरित्र की गाथा ही मैं गाता हूँ, बस सुंदर कांड करता हूँ बस, और कुछ नहीं करता। घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर घर तेरा नाम जपाऊं, नगर नगर तेरा मैं, देश देश तेरा मैं नाम जपाऊं, नगर नगर तेरा मैं नाम जपाऊं। अरे तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। तेरे जैसा मिला क्या, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे। और परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी की तरफ से भगवान के चरणों में कि तुमने ये 75 वर्ष की आयु की जो यात्रा कराई है इसके लिए क्या कहूँ। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, सब गाइए। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी। प्रभु अगर तुम्हारी ये कृपा न मिली होती तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। अभी मंच से सभी का पूरे परिवार का बखान हुआ, कैसे हुआ ये। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत के हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत के हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। और ये 75 वर्ष की आयु और आज मैं पूरे परिवार के साथ सबके साथ आपके चरणों में बैठा हूँ। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, ऐसा जीवन होना चाहिए। काबिल किया है तुम्ही ने तो जीवन के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया। प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
आज का ये उत्सव दूसरी पार्टी भी हो सकती थी, कोई होटल बुक करा लेते, दूसरी पार्टी कर लेते, भीड़ से 3 गुना ज्यादा आती है, लेकिन सत्संग हो रहा है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, दाते बल शीर निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक जो, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जान की हृदय विराजमान, हनुमत डटे रहो आसन पर जब लगे कथा राम की, ओ ये हनुमत डटे रहो आसन पर जब लग कथा राम की हो, ये जब लग कथा राम की हो, ये जब लग कथा राम की हो। हमर आप सब चिन्मय मिशन के इस पावन हॉल को छोड़ करके, पावन भूमि को छोड़ करके, रामेश्वरम के समुद्र के तट पर बंदर भालू के रूप में चलें, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और मीटिंग चल रही है बंदर भालुओं की कि लंकापुरी मां का पता लगाने के लिए जाए कौन, उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में अपने आप को भी हम और आप शामिल कर लें और चलें हनुमान जी के साथ लंकापुरी माँ जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहाँ माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कोई कहे 70 योजन जा सकता हूँ, कोई कहे 90 योजन जा सकता हूँ। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हुए और बोले अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि सोतन भरण न जा, उभय धरी महादेवी सात प्रदक्षिण धा, अंगद कहि जाम मैं पारा, जिय संशय कछ फिर देवारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर लायक, कहि रीच पति सुन हनुमाना, काज पसारि रहौ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पति विवेक विज्ञान गवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ बर गिरिन कर राजा, सिंह नाद कर मारही बारा, लीलहि नाग जलनि दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, त्रिकूट उबारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही कुछ न सिखावन दी जोई, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुनियाई, तब निज भुज बल राज बनैना, कौतुक लाग संग कप सेना, सेन संग संहार निज चर, राम सीता ही आनि है
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदा जी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहिं, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गाहिं। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया और सिखावन दी, गाइडलाइंस दी, आप केवल माँ का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान श्री राम रावण को मारेंगे और हम सब माँ जानकी को लेकर के आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न देख करके सभी बंदर भालू ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदर कांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है, बोलता है वो नहीं। सुनहि जे नर अरुनारी, इसका अर्थ जीवन में सुनना आना चाहिए। जो आज गायब हो गया है, आज हर घर की समस्या, यहां से लेकर के विदेश तक के हर घर की समस्या केवल आज एक ही रह गई है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सुनना बंद हो गया है। और इसीलिए समग्र व्यवस्था होने के बाद, सब भौतिक सुख होने के बाद भी आज हर व्यक्ति को डिप्रेशन, शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया है। कारण एक ही है, हमारी कोई, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिल की बात किसी से कहना चाहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आज भी करता हूं, कि संध्या काल को आपका पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठो, अपने अपने रूम में नहीं, एक ही कमरे में बैठो और अपना टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, ऑफिस बंद करो और डेढ़ दो घंटे बैठ के बातचीत किया करो, बस कुछ भी करो, बातचीत करो। आप 6-8 महीने करके देखिएगा, फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके घर आ जाएगा, केवल बातचीत करो। सुनहि जे नर अरुनारी तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करें त्रिसिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। यदि भगवान की कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी लिस्ट रखी है, किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे होते हैं, भगवान है कौन, किसकी कथा सुने, क्योंकि हमारे पास तो भगवान भी बहुत है, किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हमको वो नाम बताओ। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संदेह भगवान पर ही है कि भगवान कौन। तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया, सुनिएगा। नीलोत्पल तनु श्याम, भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, काम कोट शोभा अधिक। सुंदर प्रभु की छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो गए हों। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के चरित्र की कथा सुनो, जा सुनाम अग खग बधिक। जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे अंदर के विकारों को मार देता है। ऐसे भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया, भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, नीलोत्पल तनु श्याम। और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है, आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। और ये फैसिलिटी केवल हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने हमें प्रदान करी है कि भगवान भी आपकी रुचि के अनुसार, आपको भगवान का जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो और जो संबंध पसंद हो, आप भगवान को भगवान मानो, जरूरी नहीं भगवान को गुरुजी कहो, भगवान को पिताजी कहो,
भगवान को माँ कहो, भगवान को भाई कहो, भगवान को पति कहो, भगवान को पत्नी कहो, भगवान को मित्र कहो, भगवान को बेटा कहो, भगवान को दुश्मन कहो। रावण और कंस ने भगवान को दुश्मन बना करके प्राप्त कर लिया, सुदामा ने मित्र बना करके प्राप्त कर लिया, मीरा ने पति बना करके प्राप्त कर लिया, मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके पुत्र के रूप में भगवान को ही प्राप्त कर लिया। आपको जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, जो संबंध पसंद हो, उस नाम रूप संबंध से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। हम सब क्या करते हैं, भजन सबका करते हैं, भरोसा किसी का नहीं करते। और सुंदरकांड की कथा हमें केवल यही सिखाती है, भगवान का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो। कैसा भरोसा? हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण। भगवान भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। कैसे हैं सुनिए। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक। ताली बजा के गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजम नारायण, श्रीमन नारायण भजम नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं, भगवान का भरोसा करो, ऐसा बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सैव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलंतरात्मा, भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। फिर हनुमान जी की अंत में प्रार्थना करी है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्जातम नमामि। जिस व्यक्तित्व में ये आठ गुण दिखाई दें, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम, ये आठ गुण जिस व्यक्तित्व में दिखाई दे वो हनुमान है। ऐसे हनुमान को प्रणाम किया है, वात जातम नमामि, हम और आप भी करें। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, सोने के सिंहासन
सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, पीला पीताम्बर पहरे मेरे राम जी, पीला पीताम्बर पहरे मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डुवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डुवन का भोग हनुमान जी राम राम, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, राम बंद के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोय पर जो तुम भाए सही तो कंद मूल बल गाए, जब लगे आवो सीता ही देखी हुई है काज मैं हर्ष विजय की, ये कह नाय सवन को माता चले हर्ष ये धर्म राधा, सिंध तीर एक भूधर सुंदर कौतुक तोज चढ़ैता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी करके पवन तरे बल भारी, जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तरंता, जिम अमोघ रघुबद कर बाना ए भाज चले हनुमाना, जल निधि रघुबद तूत बिचारी तय मैं ना कहो शमहारी, हनुमान दे पर सा करपन कीन प्रणाम, राम काज की है बिना मोहि का विश्राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जात पवन सुदेवन देखा जाने कमल पद्य विचेका, सुरसा नाम अहिन के माता पढ़े आए कहीं के माता, आज सुरन मई दीन आहारा सुरत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो सीता कह सुख तब सुनावो, तब तब वदन पैठी औ आई सत्य कहो मैं जान जमाई, कब ने उजतन नहीं नहीं जाना कृष्ण मोहि कहे बदन बढ़ावा तास दोन कब धूप दिखावा, सतयोजन ते आनंद कीना अतिलग रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ मन बाहर आवा मांगा विदाता है सरनावा, मोहि सरन जे लाग बढ़ावा बुध बल मन मधुर में पावा, राम काज सब करी यहो तुम बल बुद्धन धान, आसिन दे गई सो हर चले हनुमान, बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, निश्चर एक सिंध मा रहे कर माया नभ के खगही, जीव जंत जे गगन उड़ाई जल बिलोक दिन के बल जाई, कहई चासक सोन उड़ाई एहि बिन सदा गगन तरखाई, सुर चल हनुमान कह के ना दासक बड़ दम सुर तय कीना, ताहि मार मार सद बीरा बार दे पार गयो मत धीरा, तहां जाय देखी बन शोभा गुंजल चंचरी गमद लोभा, नाना तर फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देखि आगे ता पर धाई अमान गज कप कह अधिकाई प्रभु ताप जो काले खाई, फिर पर चढ़ लंका दे देखी कह न जाय यद दुर्ग विशेषी, संग जल निधि चौपासा कन कोट कर परम प्रकाशा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, कनक कोट विचित्र मन कत सुंदर आयत ना घना, जब हट हट दुहट विधि चार लोक दीवा, गज बाज खच्चर निगर पद दल रथ बरु थन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल वन बाग उपवन बाट का सरकू
रूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई बहुमाल देह विशाल शैल समान अतबल गर्जहि नाना आकार बिरे बहु विधि एक एक अंतर नहीं गड़गता न भटकोट न बिगड़ता नगर तहुं तिज रक्षहि कहु मही समान देन हरि घर निसाचर भक्तहि नहीं लाग तुलसीदास इनकी कथा कथित कहे कही रघुवीर सतीरथ शरीर जागत है सही गुर रखवारे देख बहु कपन के न विचार अतलग रूप धरो नसे नगर करो पेसार बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मचक समान रूप कवि धरे लंका चले सुमिर नर हरि नाम लंक नी एक निश नी सो कै चल समोहि निंदरि जान नै मर्म सत मोरा मोर आहार जहां लग चोरा मुटका एक महाकवि हने रुद्रव मधनि पल संभारी उठी सो लंका जोर पान कर बिने सशंका जब रावण है ब्रह्म पर दीना चलत विरंच कहा मोर कीना विकल होस्ते कब के मारे तब जान सुनिश्चल संघारे तात मोर हित पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता हनुमान तुम्हारी जय जय हो हनुमान तुम्हारी जय जय हो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तूल लता ही सकल मिली जो सकल ससंग प्रभस नगर की जय सब का जा हृदय राखो चल पर राजा घर सुधारे करे मिटाई गोपाल सिंह ने सितलाई करुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चित बाजाई अतलग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर मंदिर जाता अगन जोधा गयो दशानन मंदिर माही अदमि चंद्र गई सुनाई सैन किया देखा कब ते ही मंदिर मोहन देख भई देहि भवन एक मन नीक सुहावा हर मंदिर तय बिन्न बनावा रामायण अंकित गृह शोभा वर्ण जाए नव तुलसी का वृंद कहां देख हरष गंभीराए लंका निश्चर निकर निवासा यहां कहां सज्जन कर बासा मन मोकर करे कब लागा ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरच कब सज्जन कीना हे सनहत करियो पहचाने साधु तो होए न कर जाने विप्र रूप धरि वचन सुनाए सरत विभीषण पत्ता आए कर प्रणाम पूछी कुछ लाए विप्र कहो निज पता बुझाए की तुम हर दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन मलभागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुन जुगल तर पुलक मना मगन सुमिर गुण गाव सुनो पवन सुत गाने मारी जिव दशनन माजी विचारी तातक वह मोहि जानि अनाथा करी है कृपा कुल नाथा तामस तन गज साधन नाही कीर्तन पद सरोज मन माही अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि द्रज हट दीना सुनो विभीषण तो कह रीति करे सदा सेवक पर प्रीति कहो कवन मैं परम कुलीना कब चंचल सब ही विधीना प्रात ले जो नाम हमारा कह दिल ताहिन मिले आहारा असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुणा भरे बिलोचन नीर जानत हूँ अस्वाम विसारे फिर हित काहे न होए तुखारे हे विद कहत राम गुण गावा बाबा अनवाज विचरामा मुनि सब कथा विभीषण कही जय विद जनक सता तरहि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहु जानकी माता जगत विभीषण सकल सुनाए चले पवन सुत बिना कराए कर सही रूप गयो मन तरवा बन शोक सीता रह जयवा देख मन ही मन की न प्रणामा बैठे बीत जाते निसिजामा कृष तनु शीश जटा एक बेनी जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी राम 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 सुंदरकांड में पहली बार माँ जानकी का प्रवेश होने जा रहा है इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए जानकी मैया की जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ हनुमान जी ने दूर से माँ का दर्शन किया प्रणाम किया है और मन ही मन में स्तुति करी है जय माँ जय माँ जय 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 जय माँ निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भावन सुत देख जानकी जी
सर पल्लव महाल गाई करे विचार करो का भाई दैव सरावण दयावा संग नारी भव किए बनावा भव दिखल सी तई समझावा साम दाम भय भेद दिखावा ठहरावण सुन समक्ष आदि मंदोदरी आदि सवरा तपन चरी करो पन मोरा एक बार विलोक मम पूरा दिनदर ओट कहत वे देहि सुमरावत पद परम सने सुंदर समक्ष ज्योत प्रकाशा कमह के नल्ली करे विकासा असमर समझे कहत जान के कर सदने रघुवीर सत्सुने हरि आनस मोहे अलमन लज लाजै दोहि आप ईश्वर खत्योद समान रामई भान समान परशम दर्शन काढ़ि असी बोलाद किसियान सीता तै ममद अपमान कढ़ियौ तब सिर कड़न रबाना नाहिक शब्द मान मन बाजे सुन होर न जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु जी कर कर समद सिकंदर सोबज कंठ के तपस घोरा संसार समान चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति बिरहा नल संजातम सीतल निसज भज पर धारा सीता हर मम दुखवारा सत वचन पर मार अंधावा मैं तनिया कै नीत बुझावा कै सकल ने तन बुलाए सीतै को बिरता सहाय मास दिवस म कहा न माना तो मैं माधव कर भवन गयो दस कंधरा यहाँ पिसा चंद्रिंद सीतै दास दिखावै धरे रूप बहुबंद पुष्टा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निबंध सबने बोल सुनाई सपना सीते सही करो हित अपना सपने बानर लंका जा रे जात धार सेना सम्मारे खड़िया रूढ़ नगर न सीता मंड सिर खंडित बड़ी वीसा सो दक्षिण दिस जाई लंका मन हो भीषण पाई नगर बिरी रघुवीर दुहाई तब तब सीता बोल पढ़ाई यह सपना मैं कहूँ पुकारे भाई है सत्य गए दिन चारे दास वचन सुनते सब डरे जनक सुधा के चरणन पारे जहाँ गई सकल तबाल सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच निष्ठासन बोली कर जोड़ी मात बस संगन ते मोरी तरह दे कर बेगो पाई तुसे मेरे अब नहीं सह जाई मान काट चपा बनाई मात पनल पन देह लगाई सत्य करे मापीत सयानी सुने मशोड़ जवानी स्मृत वचन बद गई समझाए प्रभु ताप बल सुजसनाए निसदा नल मिल सो सुकुमारी असे सोने भवन सुधारी सीता विधवा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सूला देखत प्रगट रन अंगारा अवन न आवत एक गोतारा पावक में सस्रवत नया की मानो मोहि जान हत भागी सुनई बिनय मन बटत अशोका सत्य नाम कर धर्म शोभा तू तर किस लय अनल समाना देहि अग्र जन करई निदाना देख परम बिरहा कुल सीता सोचल कपिय कलब सब बीता कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका धारित बल जन सोकार दीन हर हनुमान जी ने पेड़ पर बैठ करके राम नाम की मुद्रिका माँ की गोदी में फेंकी तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर रखित चितव मुदरे पहचाने हर चविचार हृदय कुलानी सकहि अजय रघुराई माया ते असि रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण भरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागे सुनय श्रवण मन लाई आदौ ते सब कथा सुनाई श्रवण मत जय कथा सुहाई कही सो प्रकट हो जगिन भाई अब हनुमान कट चल गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो भैया राम दूत मैं मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मात मैं आने दीन राम तुम कहि सहि नाही नर बानर ही संग कहु कैसे कही कथा भई संगति जैसे कपि के वचन स प्रेम सुने कप जा मन विश्वास जाना मन कम बचन यह कृपा सिंह करता हर जन जान प्रीत अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावल बाढ़ी गुणत बिरह जल विहनुमाना भैल होता तुम कौ जल जाना अब कौ कुशल जाओ बलिहारी अन सहित सुख भवन करारी ओ मन चिर कृपाल रघुराई कब के हेतु धरी निटराए सहज मान से कब सुखदायक कब हम सरत करत नग नायक कब हम नयन मम शीतल ताता होइ है निरक्षा अमृत दाता वचन आप नयन भर भारे आह नाथ हौ निपट बिसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कमल भजन रहीता मात कुशल खुद फल समेता तब दुख दुखी चक कृपा निकेता जन जननी मानव जे ऊना सुख दे प्रेम राम के दोना जगपद कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कई कम गद गद भयो भरे बिलोचन नीरा
सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम कहे राम वियोग तब सीता मोको सकल भय विपरीता नव तर्क सलय मनो पसानो काल निसासम निससवानो कुबलय विपिन पंत मन सर सा बार तब तेल जन बरसा जे हित रहे करत ते पीरा उर रसा सब द्रविद समीरा कहे उते गद दुखट होई काय कहौ ये जान न कोई सत प्रेम कर्म मन तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोय पाहि जान प्रीत रस इतने माहि प्रभु संदेश सुनत वे देही मगन प्रेम दर सुध नहीं देही कह कब हृदय धीर धर्माता सुमिर राम से वक्त विदाता पुराण और रघुपति प्रभु दाई सुनम भजन तजो पजराई निश्चर निकर पतंग समा रघुपति भान विसान जननी हृदय धीर धरो जरे निसा चर जान जौ रघुबीर हो सिद्ध पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम मान रघु रे जान की तम बरोद में जात भान की अब हिमात में जाहु लवाई प्रभु आए सने राम दुहाई निशिचर मारी तो ही लय गई है माँ ने हनुमान जी से पूछा तुम्हारे राम जी ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं है सुत कपि सब तुम ही समाना जात धान अति भटे बलवाना मुझे तुम्हारे शरीर को देख के तुम्हारी बातों को देख करके अब संदेह होने लगा है मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट की निज देहा हनुमान जी को लगा कि माँ को मेरे पर नहीं मेरे राम पर संदेह हो रहा है और हनुमान जी को यही बर्दाश्त नहीं मेरे पर कोई संदेह करे चलेगा लेकिन मेरे राम पर कोई संदेह करे बिल्कुल नहीं चलेगा भले जामवंत ने मना किया है हनुमान जी ने अपने दोनों पैर शोक वाटिका में जमाया और मन ही मन में सोचा माँ को खबर नहीं है कि मैं कौन हूं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम 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 शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा कनक भूधरा कर शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय जय श्री राम 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 जितने देवी देवता थे सब आकाश मार्ग में आ गए हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए पुष्प वृष्टि करके हनुमान जी की जय जयकार करके स्तुति करने लगे ताली बजा के जय हनुमान 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 काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटायो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपि बोलिए हनुमान जी महाराज की जय ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो माँ ने एकदम आंखें बंद कर ली कहा बेटा बस जैसे थे वैसे ही हो जाओ सीता मन भरोस तब भयो तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे हो गए पहले छोटे से थे माँ जानकी को संदेह हुआ तो बड़े बने कनक भूधराकार शरीरा और जब माँ को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो सुनिएगा
जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, बहुत, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, विनम्र बनना, सरल बनना, सहज बनना बहुत कठिन होता है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण संसार में आज तक न कोई पैदा हुआ है न आगे कभी होगा। रावण जैसा संपदावान, पैसे वाला, धनवान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है न आगे कभी होगा। रावण जैसा परिवार वाला, एक लख पूत सवा लख नाती, ऐसा परिवार वाला संसार में आज तक न कोई पैदा हुआ है न आगे कभी होगा, तो पूजा किसकी होनी चाहिए थी? ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। अकेला रावण संसार में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका विजयादशमी के दिन पुतले को बना के जला के श्राद्ध किया जाता है। कोरोना में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब दो साल के लिए बंद हो गए थे, लेकिन रावण जलाएगा उसको छुट्टी नहीं मिली। यह है रावण की फाइनल बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन जीवन में कभी विनम्र नहीं बन सका, इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी रावण पूजनीय नहीं बन सका। और श्री हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं, लंगोटी वाले हनुमान जी। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिए, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, और कांधे मूज जनेऊ साजे। प्रॉपर्टी खत्म। बस इतनी प्रॉपर्टी के मालिक श्री हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया। तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने राम जी के भी मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो तब तक अधूरा ही कहलाता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते। संसार में कोई भी भगवान का मंदिर बने, कोई भी, आप पुराने से पुराने मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, जो मंदिर में जाओ, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, बाद में भगवान के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के बिना कोई भी भगवान का मंदिर पूरा होता नहीं, लेकिन जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनता है वहां किसी देवी देवता या भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है। हनुमान जी वो व्यक्तित्व है जिसके बिना भगवान भी अधूरे हो जाते हैं, उसका नाम हनुमान है। हम सबके लिए ये सूचना है, जाना तो हम सबको भी है, जिस दिन पैदा होकर के संसार में आए थे उसी दिन रिटर्न टिकट भी मिल गई थी। टाइम, डेट, प्लेस तीनों साथ में लिखा हुआ सब हमें पता नहीं है, लेकिन टिकट है, जाना तो निश्चित है। ऐसा जीवन जी करके जाओ कि जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के बीच में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे बिना वो लोग अपने आप को अधूरा महसूस करें। ऐसा जीवन जियो। कोई तो कहे आप चले जाते हो अच्छा नहीं लगता है, आप रहते हो बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। कभी किसी के घर जाओ तो कोई कहे अभी जल्दी करना मत, जाना मत, भोजन करके जाना, एक दिन तो रुकी जाओ, हम आपकी टिकट चेंज करवा देते हैं। कोई कहता है, अब तो आप किसी के घर जाओ तो सबसे पहले एक ही प्रश्न करता है, टिकट कब की है जाने की? पहले जितने दिन लोग आकर के घर में रहा करते थे, आज उतने मिनट नहीं रहते महाराज जी, उतने मिनट नहीं रहते। पहले बुआ, ताई, चाची सब लोग जब घर में आते थे 15-20 दिन से पहले कोई जाता नहीं था। आज 20-25 मिनट के लिए भी अगर कोई आ गया तो मुसीबत आ जाती है। आप किसी को अगर पहले से बता दिया कि हम आना चाहते हैं तो तुरंत बोलेगा आज मत आना, हम हैं नहीं घर पे, मत आना। सोचिएगा हमने क्या कर लिया है, कितनी तरक्की कर ली है जिंदगी में। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके माँ को कहा, माँ ये मैं बड़ा नहीं हुआ, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु व्यास। माँ मेरे राम की कृपा यदि एक छोटे से सांप पर हो जाती है तो वो बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है। ये रावण क्या चीज है? ऐसे कई रावण मेरे सामने बैठे हो माँ,
मैं मेरे प्रभु की कृपा से सबको समाप्त करके आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मां मुझे आज्ञा नहीं है। सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं, रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। हम सब भी विचार करें, हम भी अपने परिवार में समाज में जीवन जीते हैं, हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए रावण का है या हनुमान का है, हम कौन है? तब मां ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को एक नहीं, ये टेस्टिंग चल रही थी हनुमान जी की, हर टेस्ट को हनुमान जी ने पास किया। तब मां ने हनुमान जी को एक नहीं राम का प्रिय जान करके 5 आशीर्वाद दिए। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, करो कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार ना इसी पद सीसा, बोला वचन जोय कर दीसा, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ ने ज्ञाता। हनुमान जी ने माँ से 5 आशीर्वाद लिए, माँ के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया माँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब माँ के चरणों को पकड़ करके सोच रहे थे तो वापस जाना चाहिए, जामवंत ने कह करके भेजा था माँ का पता लगा करके वापस आ जाना, तो माँ का पता लग गया, अब तो जाओ वापस। लेकिन हनुमान जी गए नहीं। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे और माँ नीचे बैठी थी, रावण आया था और हनुमान जी पेड़ पर बैठे सब सुन और देख रहे थे, उस समय रावण ने हनुमाता जी को अपशब्द कहे थे। हनुमान जी ने पेड़ पर बैठे बैठे मन ही में संकल्प किया, रावण अभी तो नीचे माँ बैठी है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मिले बिना नहीं जाऊंगा, भले जामवंत ने मना किया है मिलकर के ही जाऊंगा, परमिशन है नहीं। तो हनुमान जी ने एक नई परंपरा खड़ी करी जो आज तक हमारे आपके भी काम आ रही है, कि घर में जो काम पिताजी मना कर देते हैं वो सारे काम माताजी से पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी ने मां के चरणों को पकड़ा और इमोशनल ब्लैकमेल किया, कैसे किया सुनिए, और उसी परंपरा का निर्वाह आज तक हम और आप सब करते आ रहे हैं। सुनहु मातमहि अतिशय भूखा, माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, लाग देख सुंदर फल रूखा, माँ ने कहा सुन सुत कर रहे बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, बेटा यहाँ का रक्षण करने वाले सिक्योरिटी गार्ड बड़े ताकतवर बड़े बड़े हैं, मुझे डर लगता है। तो हनुमान जी ने कहा डर आपको लगता है, मुझे थोड़ी लगता है। तिनकर भय माता मोहिनाही, तो हनुमान जी से माँ ने कहा फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर डर नहीं लगता तो जाओ। फिर रोका किसने है, चले जाओ। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। माता जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, तो हनुमान जी ने कहा मुझे पता है मेरे जाने से आपके मन को बहुत तकलीफ होगी, मैं आपका बेटा हूं तो आपको तकलीफ होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके मन को कोई कष्ट पहुंचे। यदि आपके मन को सुख मिलता है, जो तुम सुख माने हो मन माही, तो मुझे आज्ञा दो। तब माने आज्ञा दी, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाव, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाव। परमिशन मिल गई। जैसे ही माँ की परमिशन मिली, हनुमान जी ने फिर माँ के चरणों को पकड़ा, कहा माँ अब मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ेगा, पहली बार अब लड़ने मैं जा रहा हूं। माँ आप तो आदि शक्ति जगदम्बा हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्धिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ मुझे शक्ति दो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया। जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया, जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया। आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया, आए शरण तिहारी रे। अशोक वाटिका में घुसे, जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। चलो ना चल बैठो बागा फकाए पतो दे लगा रे राम भटकवारे बिमारे कै जाय दुवारे दाते का बक भद ते अशोक वाटिका उजारी खाए बलो बिमलो मारे रक्षक मन मन में नारे सुंदावन बड़ ए बटना नाथ रह देख कर जब हनुमान सब नी चरक संघाले गए पुकार सजन वाले उन बड़े गौते अच्छ कुमार अर्चना संग लय सवट अपारा आवर दे जुड़े कई तर जा साए दुआ दुआ दुन मर जा कट मारे कट मर तुसी कट मिले धधूर कट मर जाए पुकारे ब्रह्मगढ़ भदूर सुंदर बदलंग के तुसाना पर इस मेघनाथ बलवाना मारे जंत बांधे ताही देखो कभी कहा कर आई चला इन जत अतले जोधा बंधन धंस ने अब जा क्रोधा कर देखा दान भड़े आवा गड़गड़ाए कर जाओ धावा अद विशाल सर्वे को मारा मृत की लंकेश तुम्हारा रहे महावर्ता के संगा गई गई गंबर ने जंगा मैंने बताए तर राजा पे चुगल मानो किस राजा मुड़गा मार चला तर जाए ताई एक जन मुड़ जाए और बहुत की ने बो माया जीत जाए प्रभंजन जाया ब्रह्मा सुते सांधा तो बन के निर्चार जो ब्रह्म धर्मान हो मैं बबड़े पार भवानी भवंदन का डैन ज्ञानी दास रोज की बंत रावा ब्रह्मार तक कभी बदावा नतन निश्चर धाए को तक लाग सबा तो आए तो सुख सबानी कब जाए कहन जाए का जोद मरखाई कमजोरे सब सब बिनीता भिड़ मिलो का सकल सबीता देख पुदान गमन सबका जिमे का मगर जिसंता कभी मिलो के दशान ना मिलता के दरबार दुर्बत जगी गुरी हुजाए जल शाल कालंकेश कबंदे गीता के केवल खाले बन गीता के भूषण सुने मोही देखो मारे निश्चर के अपराधा का सुतन प्राण के बाधा सुना ब्रह्मांड मिटाया भाई जा बल में चिनवाया जाके बल बिरंज हर ईसा भारत सत हर दसीता जा बल सी सर से सातन अन को समित गिर कान प्रेज में देह सरता दा तुम ते तुम ते खावन दाता हर गोदन कढ़े जे बन जाते ही समित ने बदल बद गंजा हर दो संत तरार बाली बरे सकल अदुलित बंसाली जाके बल लवले इष्टे इंसा उतरा चर्जार तादू पे जाकरी हरा ने मेदार जानो मैं तुम्हार सताई सात भाव सनबरी लड़ाई समरवाल संगर जतवावा संगर लंगा हित महरावा कायो फुल्लब लागी भूखा कब्ज भाव दे तो रो रूखा सबके जय परम रे स्वामी मारे मोहे तुम्हारे कामी तुम मैं मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तुने तुम्हारे मोहे जगत बांधे के लाजा की जाओ नित्र पर काजा पिंडी करे जोर कर रावण को मान दर मोक्ष का बंदे गौतम नंद करे बिचारी भ्रमदल भजा भगत बिहारी जाके डर अतकाल डराई जो सर असर चरा चर खाई तासो बैर तबो नहीं कीजे मोरे कहे जानकी नीजे रुद्रपाल नायक कुमना सिंह खरार गए जन करुणा के तब अपराध विचार रामचंद्र पंकज धरहु लंका चल राज तुम करहु बिस्मिल्लाह जसमल मयन काते सर्व जगहु करत्ता राम नाम बिन ज्ञान सोहा देख क्या त्याग मद मोहा बरही ने जो सरारे सब जन मुझे नारी राम विवक संपत्र बताई जाय रही पाई मिल पाई सर्वोल सत्य नाई भज गए ब्रत भाई सुंदर स्कंद कहो पन्नो पी विमुख राम दादा ने कोपी शंकर चाचरे मन कोई सगई राग राम कर मोह मूर्त शूल पटा त्यागो तम अभिमान भजौ राम रंग राय भगवान तुम कहे कभी ऐसे जमाने भगत विवेक रत्न साने बोला भेद मान मानी मिलावे को दुर्बल ज्ञानी मित्र आई खल तो ही लाग तम से खबर मोही उल्टा होई है का हनुमान नाम तुम तो कर में जाना सुन के वचन बहुत से दिया ना बेग धरो मोड़ कर प्राण सुर साचर मान धाए सुन से तलवी सन आए नाशीस कर बिने बहुता नीत विरोध मारे दूता आन दंड कर करी तुसाई सबे का मन बलवाई सब भक्त बोला सिकंदर अंग भंग कर पड़िए बंदर चुपके ममता पूछ पर सबे कहो समझाए तेल मोर बड़वान बने भावक ने लगाए पूछी बानर न जाई तब फिर निंदा थे ले आई जिनके की नर बहुत पढ़ाई देखो मैं जिनके प्रदाई बजन सुरत गमन मुस्काना भईता है सारत में जाना जाता सुना बन बजना लगे रजे मोर से रजना रहा नगर बसंगे तेला बाड़ी को चीन कब खेला तो कमाए प्रवास
हसी मारे जन करे को हसी बाजे ढोल दे सब तारी नगर फेर बिन कुछ बिचारी पावन जते धर्मंता भयो परम लग रूप तुरंता निमुक्त रे कब कर के डारे भई सभी तेरे साजन नारी हर पैर ते अवसर चले मृत 49 अटास रे जा कपड़ लावे हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी गई प्रभु से आज्ञा मांगी जैसे ही आज्ञा मिली जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम विशाल परम मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई जय नगर भालोक बिहाला झबट रबट बोल कोटि कराला तात्मा था श्री पुकारा ऐ अवसर को हमें उबारा हम लोग गायक नहीं होई बाना रूप धरे सुर होई साधु क्या कर बल ऐसा जरई नगर नाथ कर जैसा जारा नगर निमिषक माही एक निमिषक गहनाई ताकर दूत अनल जे सिर जा जरान सो के कारण गिर जा उलट पलटी लंका सब जारी कूद परा पुने सिंधु भयारी कूच बुझाई कोशमा अलग रूप हो जन सुरा के आगे ठाण पे उकल जो मात्र दीजे गति ना जैसे रव नायक पहली ना चूड़ा मुड़दार तब दे हो हर समय तो जब दे हो कहो का तस्मोर पुनामा सब प्रकार जो पूर्ण कामा दीन दयाल विदर संभारी हर नाद मन तकड़ारी बात सक सुख कथा सुनायो बांधता प्रभु समझायो बात रवत मना सुनावा तो कोई कोई जीत नहीं पावा तो कब के बीच राखो प्राणा तुम हो का तहत अब जाना कोई देन शीतल वै शादी बंदो 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 राधी कनक सुताय समझाय करी बहुविधि रदीना चरण कमल से नायक भी बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हनुमान जी माँ की चूड़ामणि लेकर के वापस आने के लिए पलटे भयंकर गर्जना करी जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पूरी लंका में खबर आ गई ये गया सबको शांति मिली कि चलो मिले सकल अति भय सकारी कलपत मीन पाव जिम भारी चले हर सुरंग नायक पासा पूजत गए चरवल लिहाजा तम तम मन भीतर सब आए अंगत सम्मत मत बल खाए रखवारे जबर चल लागे बच बहार हर सवागे जाए पुकारे ते सब पंजार युवराज सुंदरी हरश कवि कल्याए प्रकाज राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हनुमान जी माँ की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे नीचे उतरे सभी बंदर भालों ने जब हनुमान जी को उतरते देखा प्रभु को का काम हो गया हनुमान जी की जय जयकार करके स्तुति करने लगे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जोनो सिंह सुन पाई हर बन के बस गई सुनाई के दिन मन विचार कर राजा आए कहे कर से समझा आए समझा वापस सीता मेरे सो मन के प्रभु जो पूजी बदल बदल बनते के राम के बाबा नाथ काज की है हनुमान लागे सकल सपन के प्राणा सुन सुखी तो और नहीं मिले सपन सहित रंग पद कई चले राम तपन जप पावत देखा किए काज मन हर्ष विशेखा पंडित सिला बैठे दो भाई भरे सकल कज कर जन जाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हनुमान हर छेलाए कहो ताके मन जान के रत पर रक्षा सुवारी नाम पार उद्वत सी ध्यान कुमार का पाठ जो जन को जन द जाय साथी बाट रत मोय चूड़ा मन दीनी रखत दे लाए चले ने नाच गल लोचन भर भारी भजन ते भजन कुमारी मन समेत कहो कर चरणा दीन बन प्रण तार हर नाम मन कम दे चरण कर लागी जय अपराध ना दो जागी अगुन एक मोर मेहमाना बिचित प्राण कीन बयाना ना सुन को अपराधा ने प्राण करे हटवाधा गंदन तुल समेरा स्वास्थ्य रहे हनुमान तरीरा ने जल हिता के जरे न पावरे विशाल विनय कहे बलि दयाला निमिष्ट मित करुणा निधि जाय कलप संबीत वेग चले प्रवान है मुझ कल जल जीत सुन सीता दक रस कह ना भर जाए जदा जो ने ना भजन गाए मन मंगल जाए सब ने भूल दिखी दाए मोहन मंद विपत प्रभु सोई जब तब समिरन भजन होई के दिन बात हो जात दान के हुई दान में जाने
समान कार्य ने को सुंदर बंधन धारी करोरा में नाही देखो कर विचार मन माही सुन दो भजन मिलो बार बार तो चाहे उठावा प्रेम गंदे भावा सावधान मन कर पर शंकर लागे कान कथा सुंदर लोक बिरावन पाले तंगा के उमाराम स्वभाव जय जाना ताई भजन तर भावना आना ये संभाजा भजन कहे कब रंदा जय 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 कृपाल सुकंदा तब अवलम के कारण के जय श्री जय गौतम दे समे बुलाए आए जो थमजूथ नाना वर्ण तुल बलर बाल द्रौपद पंगन नमे सीता गजे बाल महाबल गीता देखी राम कर्म सेना से राजीव ने राम बाबल पाए कबिंदा भय पच जग मनम करेंदा हज राम तो कीर पयाना सुर मय सुंदर सुनाना जात सकल मंगल में की थी दास बयान सबन ये नीति बयान जाना वे देही भगवान जग में देही जो जो सबन जान की होई असकन भयो राम ने सोही तलाकड़ को बन नहीं पारा गजे मानर वालो वाला नखाय कृपा पदारी चले गगन में इच्छा चारी के हरिनाथ बाल कब करे जब गाय देख जे करे प्रयाण प्रसन्न जान परम सुहावनी जन कमंड कर जाय कृपान दी उतरे सागर तीर जय श्री राम जय जय श्री राम 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 भगवान सागर राय संगा जपते जात गयो कबलंगा निज निज सबै विचारा नै नै सबो के रोवारा जास दूत पर पड़ने जाए दैया हे पर कौन भलाई दूते सचन भजन वाली मंदो धरिए रे कबलानी दौड़ जोर कर पद पग लागे बोले भजन ने तत्पा के कन्न सचन पर हरो मोर दागे समझत दादो के करने समय कर वृंदे जगाने आसमान ने सच बुलाए पडबो कंजो जो बुलाए कुल कमल बिंद बनाए सीता सीत ने सा समाए सोना सीता बिन के ने हित समाजा हुए राम माने गंदर सान गंद सा तरबे कर जब सन्ना तो लगी जद करो ते चेक श्रवण सुने तरता करवाने बीता जगत बिदत अपमाने सब सुनाना इधर साजा मंगल मा बहन दे दगा जा जो आवे मर कटकट काई जे बिचारे निश्चर खाई कंबई लोकम जाति बोले भयासोई रावण को बनी सहाई असत करे सुनाए सुनाई चौदह भुवन एक पद होई भूत छने सोई काम क्रोध मतलब भुवनेश्वर का लो कर काला ब्रह्म रामे देव कार्य कृपा सिंध मानस तंधारी जल नंजन भंजन कर माता भंतार भंजन लगनाता देवनाथ कहे प्रताप न त्यागा विष्णु प्रताप दे लागा प्रताप प्रसाद बार बार बदला हो बिने करो दसी हरि हरि माने मोहम्मद सुन प्लेट सुना के बड़ी है बात तो
बसी विपरीता हित अनहित मानो रे प्रीता काना हे सर कुल केरी सीता भर प्रीत मेरे दात करण कई मांग हो रखो मोर दुलार सीता दे हो राम कहो ऐसा होय तुम्हार भूत प्राण छ संबंध बानी कहीं विभीषण ने बखानी सर सान प्रकार साए खत निर्णय हो आई यत्ता सर हो दिया वार कर पछमो ते भावा कर सर हो जग माहे बुलबुल जाए कामे नाही मंत्र पर सब सुंदर बेटी संदल जाए तनो कोनी उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जो करे बुलाई तुम सर झोले में मारा राम भजे नाथ तुम्हारा जो संग लय न पद गए हो सबे सुनाई कहते भयो सत राम सत संकल प्रभु सभा काल बसोर मैं रवि शरण अब जाओ देव जंतोर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु क्या तो जवानी पर कल्याण कल के हानी रावण जब भीषण त्यागा भय गोविंद भय भागा जय हर रघुनाय पाहि कर मनोरथ भगवन वारे क्यों जाय तरण जल जाता अर्मुद से बक्सर दाता जय बंदर श्री ऋषनारी दंड आनंद वाले जय बजनक सता और लाए कबड़ कुदंग संग धधाए हर सोच जय ही अवभाग में देखो ते निर्पायन के पास न भरत है मल्ला देव राज लोक भेद हमाले सट आवा राखी जगमा सका निशा दर देते लक्ष्मण हनई ने मिश्मा देते जो सभी आवा सनाई राखो ताई प्राण के नाही मैं भात यान हूँ हसका कृपान के जय कृपाल जय कभी चले अंगद अनु समेत सादा तई आगे कर बान चले जहाँ रघुपत करुणा कर दूर दे देखे दो भाता ने नानंद आन के दाता भौर नाम शुभ धाम बिलो के रहू सकल लो के भजवरम कंजारों लो जल श्यामल का सुंद कंद आयतर सोहा आनंद अमित मदन मनमोहा ने दरगाता मंदर जी तई निर्वाता नाथ शानर कर मैं भ्राता निश्चरवन जन्म सुरदाता सज बाप के तामग दे आ जरा उलू कई संपर दे आ शुमन सुरक्त नियाय हो प्रबंधन बाबीर दायता यार हर संत वज्रवीर जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम अस्के क्रत दंड पत देखा दुख उठे प्रभर तुझे का दीन बदन सुन ब्रह्मन भावा भुज विशाल के जय जगावा अनुसहित में ढिक बैठा दी बोले बदन भगत बहारे पलंगे सहित परवारा कुल कुठा हर बात तुम्हारा कल मंडली बसो दिन्दा ते सका धर्म ने भय के बादे मैं जानो तुम्हार सब रीते यतने लगना भावनी दी मन बात सरक करता दा जो संग जन दे विधाता अपते लगाया जो तुम की विधान दंदाया कब लक्षल जी कहो सबने मन विश्राम जब लग भजा राम कहो सो राम दशाम कब लग दाए पसुतल्ला ना लो मो मच्छर बदमाना जब लग रुनो सत्रंगा दा दे चाता ये परवादा ममता त्रण तमी अंधियारी राम देश लोग सुखारी तब लग सजी मनवाही जब लग लगता रंगाई अब मैं क्षण मिटे भय भारे दिक राम बत कमल तुम्हारे तुम बार जा पर अनुकूला ताई तो मैं अपने निर्वसूला मैं निश्चल अधम सुबाओ शबातम की इनने कहूं जात रूप में ध्यान ने आवाते मुहते ओ भाग में उत्ति राम निवास कंज देखो नैन में जल सुधा से विद्वत पतंज स्लों से गाने कौन स्वभाव जान मिशन सम गिर जाहु जो नर हो चराचर द्रोही आवे सबे सर परमद मोह कपट छल्ला ना करो सजते साथ जमाना जने जन सतारा तंदन भव सबके
मम दादा कटोरे मम पद मन है बान बरडोरे सुंदर से जगत नाही हर सो में नी मनवाए असत जन मन पर बस कैसे लोभी हृदय बसै दम जैसे तो जाग के संत नी बोले धरो दे दिया छोरे सुन ये पासक पर हिता नते दिने मां तेन प्राण समान मान जिते दुदे मां सुन के सकल गुण तोरे ताते तुम अक्षय प्रेम मोरे राम जो सर्वान जूता सकल कहे जय कृपा वरुधा संत कै बानी नहीं अगाव शम नाम जानी भजन भज रे बारे बारा हृदय समान प्रेम बारा सुदे सतरा चरसा में प्रतपाल और अंतरिया में कोई प्रभु पास ता रहे प्रभु की सरसो है अब कृपाल ने भगत पावने देव सदा शम मन भावने हे बस के प्रभु धीरा मांगा तो सेनु कर दिया सत का तप इच्छा नाही मोत समो जग माहे अस कै राम तलक ते सारा सुमन विष्णु है बिना रावण को मारे लंका का राज तिलक विभीषण जी के भाल पर भगवान राम ने जैसे ही किया जितने देवी देवता थे आकाश मार्ग में आ गए पुष्प वृष्टि करके प्रभु की जय जयकार करने लगे सदा राम तुम्हारी जय जय हो सदा राम तुम्हारी जय जय हो। रावण का मरण लंका कांड में नहीं हुआ है सुंदर कांड में हुआ है। जब भगवान राम ने बिना रावण को मारे विभीषण जी का राज तिलक करके घोषणा करी कि आज से लंका में रावण मर गया, लंका का राजा विभीषण है, उसी दिन रावण में खत्म हो गया था। इसी तरह जब भगवान हमारे अंदर के बसे हुए रावण के मरण की घोषणा कर देते हैं उसी दिन हमारे जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड हो जाता है। सदा राम तुम्हारी जय जय हो सदा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो रावण क्रोध लल जा सासमीर पटंड जत भीषण राखो दीनो राज कंड जो संप शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ सो संप राव भीषण ही सब दीन रघुनाथ छान भजे दे या ना दे निर्बल जन को पिछाना मिल जन जान जाई अपना बाप बाप लख मनवा सर्व के सर्व उद्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी भोले जननीर पटवाल कार मन दुर्दुर्धार सुन कपीश लंका पद वीरा के भीतर ही जल गंभीरा संग मगर वो रंग जग जाते अदला तो लंके सदव रव नाय कोट सन सो सतव साई के दत्त धमनी दस गाई बिनई सागर संजाई अब तुम्हार तुम कुल जल थी काए पाए विचार बिन प्रया सागर सही सगवाल सका कहीं तुमनी को पाई करी देव जो हो सहाय मनाय मन मनवावा ना देव कर कवन भरोसा सोचे दिन करी मन रोसा कादर मन को एक आधारा देव देवा जीवारा सुख हम बोले रवीरा ऐसे करो धरो मन धीरा अस्के को वंजे समझाए जमी गए रवराई कम प्रणाम की इंतनाई बैठे बंदा डर प्रसाई जब भी सर को पई आए बाजे रावण धुन बढ़ाए खाने दम भाव अत प्रेम का सुनो सब बानर अंग भंग कर लागे दीन बुकारत तर मिल जागे जो हमार हर नासा काना दही को जला दीच के आना सुनलत मन तम निकट बलाए व्याला घर रक्षणाए रावण कर दे जो ये बादी रजमन वचनाग मन गादी गयु मुखा घर मोट सुना मन संदेश उदार सीता दे हुग लवन का आवा काल कुमार रुपनाए लक्ष्मण पद माता चले दूर पन्नत मन गाता घर राम जो लंकाए रावण चल रही के नाए बेहत साधन पूछी बाता का तन सका पंच चलाता पन लोगों ने विषण केरी जाने में दुआई लंका सत्या के भय है जब करके जय भागे भगो भागे करनाए कलंका के चलियाई जिनके जीवन का रखवारा भयो मदल चसंद बिचारा सौ तब जिनके बात कोरी जिनके नेता जिन कोरी नी भाई भेंटी फिर गए छमन सतन मोर कैसे रूप तेज बला बहुत चकिंची तो कर तू तो जैसे मानो कहा को जैसे मिला जाए जो बन तुम्हारा जाते राम दिल रावण को तम चन का ना कमर बांधे में दुख ना ना शब्द नाश का काटे लागे राम को पूछो नाथ राम कटकाई बदन को सत बनने जाए नाना रुण भाल कब जाए विता ने मिला ने पाए जे पुर जाओ हतो सतो रा सकल कबिन माते बल तोरा अमित नाम मटकर विकराला अमित राग बल गुण विकराला अमित में अंदा नील लला अंगद गद विक्टास दद मुक्के हन सच भ जा मन बलरा एक अब सब तो क्रीर समाना इन सब कोट निकने कुनाना राम के बाद में बंद रहे धन्यवाद दे दो गई रहे अस्मय सुना शबंद स्कंदर पदम अठारह जूथ बंद नारकड़ मासो कम नाही जो तुम्हें
परम क्रोध में जय तुम्हारा आश पैन दे रघुनाथा सो कैसे सीसा ऐसे बदन कहे सबके जा कर जय कर जय सज संगम मानो बरस तय नहिं सोर का भास बाप सब नाम रावण काल कोट कहो के तय संग्राम हे राम देव बल को तुलाई से तहत तक नहीं गाई सकर रे तो सत्संगर तब गाते बोले रे नागर दास संत सागर माहे मानस बंद कर बामन माहे तुम बिदम बे सीसा जोत मसाए कीदा सहज वीर कर बचन ढाई सागर संठानी मतलाई मोर्न का कर बनाई भीषण जाके विजय विभूत कहाँ तक जाके सुनकर दो दिन बारे समय विचार रामानंद दीनी है पति नाथ बचाए जुड़ा वो छाती भेद बांग कर दीनी रावण से वो बात मन ने जाय तथा जंगल इसको की सराम ब्रह्म ब्रह्मी जन में चली की तजमान जीवा प्रबुद्ध पंगत भेंग हो एक राम सराम कहत शालंत में सुनाई भंगरा करने का साल उठा बचकर बाप राजा सत सबानी समझो शार प्रगत अभिमानी सुनो बचन मन पर है क्रोध धारा अत कोमल लग भी इस भाव युद्ध बखे लोग कर राव मिलत बातम बंद कर ही तो लगा नहीं को धरे सनक सुधार बना दे दी दे इतना कहा मौत की जय जब ते कहा दे में दे ही जनसारे ना चरण सचला सो तहां कृपा सिंधु रघुनायक जहां कर बड़ा मेरे करा सुनाई राम जगस की शाप भवानी राक्षस भय उदहा मन ज्ञानी बंद राम पद मारे बारा बिने न मान चढ़ा के तीन दिन बीत बोले राम प्रभु भय न होय न मीत लक्ष्मण बात प्रार्थना आनो सौ गौ बार विशक्त सानो सतन बिने गुण संति की कत्र बंद मन ममता रसन ज्ञान कहानी अतो भी तन व्रत बखानी को जय सबका भी है करता उधर भी जवे गुरता अस कई रख पच्चा चढ़ावा यह मतलब मन के मन भावा संदान अब से करा ला दे उधर को अंदर जाला मकत उरक जगन यकुलाने जत जन जल जब जाने कर खार पर मन कर नाना में प्रभु पाया धन्यवाना काटे पैगदरी पर एक कुछ तन को सीच बिने नमान दे सुनाटे बिना नीच सबै सन गए पत्र केरे छमहुना सब अवगुण मेरे गंत मेरे राजा धन्य इनके नाश तब प्रेरित माया उपजाए सुख है सब ग्रंथन गाए प्रभु आए देखा जता ही सो दे बात तो बल्कि नोय सिख दीनी मर जादा पर तुमरी कीनी ढोल कमा शोर प्रचनारी सकल तार ना के अधिकारी तो प्रताप में जाप सुखाई उतरे कटक न मोर बनाई प्रभु क्या फिर सुधगाई बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए जहि विधि उतरे कपि कट को तात सुख उपाय नाथ नील लल कपि दो भाई लड़काई निशिगा शिश भाई दिन के परस किए गिर भारे तरी अहि जल जिप ताप तुम्हारे मैं पुन उर धर प्रभु प्रभु ताई करी अहु बल अनुमान सहाय एहि विधि नाथ पयो दि बधाई सजस लोक पिउ बाई एहि शरम हम उत्तर तटवासी अतहु नाथ खल नर हरिरासी सुन कृपाल सागर मन पीरा तुर तय हरि राम रण धीरा देख राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भय हो सुभाई सकल चरित कहि प्रभु हि सुनावा चरण बंद पादो आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल शील निदाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक जो निज भवान गवनेउ सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायहु यह चरित कलिमल हरे जथा मति दास तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गा वही सुनहि संत सट मन श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम
में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बारह जोड़ी नगाड़ा बाजे, बारह जोड़ी नगाड़ा बाजे, सोलह जोड़ी शहनैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। सुंदरकांड को विराम करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है करना कैसे चाहिए, उसका केवल एक ही सूत्र दिया, तजी सकल आस भरोस गा वहीं, बिना किसी आशा के केवल भरोसे के साथ जो नर नारी भगवान की इस कथा को कहता है, सुनता है, गाता है, जीवन में उतारता है, तो ये कथा देती क्या है, क्या मिलेगा इससे। सकल सुमंगलदायक, मंगल नहीं सुमंगल, और थोड़ा बहुत नहीं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनही ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनाम पंचमः सोपान समाप्त, श्री सुंदर कांड समाप्त, श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। बलि रामचंद्र भगवान की।